हरदोई में स्वाट सर्विलांस व कोतवाली देहात पुलिस ने 20,000 के इनामी अपराधी को मुठभेड़ के दौरान कोतवाली देहात इलाके से गिरफ्तार किया है। ये सुरसा थाना इलाके का रहने वाला है और एक लूट के मामले में वांछित चल रहा था। इसके पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस व लूट के रुपए बरामद किए हैं। 24 घंटे में पुलिस ने 3 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 20,000 के और 1 25,000 का इनामी अपराधी है। मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि कोतवाली देहात इलाके में लूट के मामले में सुरसा थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी अतुल पाल वांछित चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी के लिए 20,000 का इनाम SP के द्वारा घोषित किया गया था। इसी बीच कोतवाली देहात पुलिस स्वाट व सर्विलांस टीम को सूचना मिली और सूचना के बाद पुलिस ने इसे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। वहीं बीते 24 घंटे में पुलिस ने 3 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें कछौना पुलिस ने 25,000 के इनामी गैंगस्टर एक्ट में वांछित सुफियान व बिलग्राम के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित 20,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। अतुल पाल सनाथ यदुनाथ पाल निवासी रामपुर थाना सुरसा, जो कि कोतवाली देहात के लूट के मामले में वांछित चल रहा था, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। आज कोतवाली पुलिस स्वाट टीम और सर्विलांस को इसकी गिरफ्तारी करने में सफलता मिली है। इसके पास से लूट के रूप में तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा बरामद हुआ है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इसको गिरफ्तार किया है और इसको जेल भेजा जा रहा है। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।